नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और INN24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाय गाइस, मेरा नाम है राजदीप चटर्जी। प्लीज कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में भाइयों के बीच खून की होली। गुमला में मामूली विवाद पर भाई की निशंस हत्या, कातिल भाई फरार। और झारखंड में मना 9 वर्ष। जामताड़ा के लादना में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, सुविधाओं की कमी से नाराज दिखे लोग। मंगलवार का दिन झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ के मिर्जापुर स्थित लंगटा बाबा उच्च विद्यालय के लिए ऐतिहासिक था। सन 1950 में स्थापित हुआ लंगटा बाबा उच्च विद्यालय, जो लगभग 68 वर्षों से संचालित है, पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का समागम विद्यालय परिसर को अलग छटा दे रहा था। विद्यालय के छात्र सह लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मोहन साव के सौजन्य में संपन्न कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के पूर्व प्राचार्य राघव पांडे और संचालन विद्यालय के 1986 बैच के छात्र विजय कुमार चौरसिया के द्वारा किया गया। पूर्ववर्ती छात्रों का द्वारा आयोजित किया गया, इसमें था कि जितने लड़के यहाँ से गुजरे 1980 से 1990 के बीच, तो वो इसमें भाग लिए। कार्यक्रम बहुत जल्दी सोचा गया और बहुत हड़बड़ में किया गया, इस वजह से इसकी इतनी सफलता मिली तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगले साल इन लोग ये विचार रखे हैं कि और बढ़िया से लोग करेंगे। बरसों बाद लंगटा बाबा उच्च विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों का एक नए वर्ष में समागम रखा गया और यहाँ पर सभी पूर्ववर्ती छात्र जो उपस्थित हुए, इस विद्यालय ने कई ऐसे छात्र को दिए हैं जो आज देश के कोने कोने में, कोई IPS हैं, कोई IAS हैं, कोई ब्रिगेडियर हैं, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी में हैं, कई छात्र इसके राजनीतिक के क्षेत्र में हैं और कई छात्र इनके व्यवसाय के क्षेत्र में अपना झारखंड में नाम कमा रहे हैं। और आज इस पूर्ववर्ती छात्र मीट में हम लोगों को जो मिलने का अवसर मिला, यह हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। पूर्ववर्ती छात्रों का जो मिलन हुआ, इसकी सोच हम लोगों की, हम लोग कुछ दोस्तों की थी और पुष्प पूर्णिमा के मौके पर सभी को इन्फॉर्म करके हम लोगों ने बुलाया और 33 साल पहले का जो है समय उसको हम लोगों ने याद किया और इसमें जितने भी लोग आए हैं वो सभी अब हम लोग सब एश्योरेंस एक दूसरे को दे रहे हैं कि हर साल हम लोग पूर्णिमा के मेले के आयोजन के समय स्कूल में आएंगे और सब मिलेंगे। ये प्रयास बहुत अच्छा रहा। यहाँ लंगटा बाबा स्कूल में जो एक पूर्ववर्ती छात्राओं का मिलन समारोह रहा, ये बहुत ही सुखदायक सभी छात्राओं के लिए रहा और इससे जो दूर दराज के छात्र आज जिनका मिलन समारोह हुआ, सभी लोग बहुत खुश थे और स्कूल की जो इतिहास पहले रची गई थी उस पर आज चर्चा भी किया। स्कूल का इतिहास फिर से रचा जाएगा आज। और इस यहाँ के आदरणीय विधायक थे जी, जो हम सभी को आश्वासन भी दिए स्कूल फिर से अपना इतिहास दोबारा रचेगा। जमुआ में मंगलवार को लंगटा बाबा समाधि पर हजारों की संख्या में भक्तों ने चादर पोशी कर अमन चैन की मन्नतें मांगी। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम सहित अन्य धर्मों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लंगटा बाबा समाधि स्थल पर पहली चादर जमुआ थाने के थानेदार केदारनाथ प्रसाद द्वारा चादर चढ़ाकर मेले की शुरुआत की गई। इसके बाद भक्तों द्वारा चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो गया। उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर उपस्थित SDM रविशंकर विद्यार्थी और SDOP प्रभात रंजन तथा प्रखंड के कई पदाधिकारियों ने भी बाबा के समाधि पर चादर पोशी कर क्षेत्र के अमन चैन के लिए मन्नतें मांगी। लंगटा बाबा समाधि स्थल की वार्षिक जो चादर पोशी होती है वो आज है। हम लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी व्यवस्था की है, यातायात को डाइवर्ट किया है और लोगों के लिए बैरिकेडिंग किए हैं और यह व्यवस्था चलती रहेगी और लोगों को पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
सरकार की ओर से जनहित के लिए किए गए काम जनहित कम और जनदुख अधिक बन जाए तब सोचिए आम जनों पर सरकारी कामों को लेकर किस तरह की धारणा बनेगी। झारखंड के हजारीबाग में 3 वर्ष पूर्व पथ निर्माण विभाग की ओर से बनाए गए नालियों से आम जनों को अब काफी परेशानी होने लगी है। फिलहाल हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक से लेकर रोमी तक अधूरे नाले निर्माण के एवज में हजारीबाग पथ निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों रुपए भुगतान करने का खुलासा सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत मांगी गई। सूचना के आधार पर संवेदक के साथ विभाग की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए जब ये नाले बना है तो नाली का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया, आधा अधूरा बनने की वजह से पानी का निकासी सही रूप से नहीं हो रहा है और इसके वजह से आधा अधूरा बनने के कारण निकासी नहीं हो रहा, उसके कारण से पूरा नाली का पानी रोड पर आ जा रहा है और रोड पर आने के कारण यहाँ से काफ़ी जनता को परेशान है। यहाँ का नाली का जो निर्माण हुआ है वो पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, कहीं पे काम किया गया है कहीं पे छोड़ दिया गया है, जिसके कारण से ये जो रोड का नाली पूरा आपका सामने दिख रहा है कि लैट्रिन बाथरूम का पानी पूरा ऊपर रोड में आ रहा है और इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे दुकान है यहाँ पर है जिसके कारण से कोई कस्टमर यहाँ आ नहीं पाते हैं, सामने में रहता है और यहां तो कोई भी आदमी आ नहीं पा रहा है। जामताड़ा के पर्यटक स्थल लधाना में 1 जनवरी से लेकर अभी भी लगातार भीड़ देखी जा रही है। नए वर्ष के आगमन के उत्साह के साथ लोग रोज यहां पहुंच रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। यहां पहुंचने वाले लोग पिकनिक मनाते हैं और वोटिंग का भी मजा लेते हैं। दूर दराज तक फैले विशाल जल भंडार लोगों को अनायास ही आकर्षित करता है और यही वजह है कि यहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन लाधना में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अच्छी सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी सुविधाएं यहां मौजूद नहीं होने से यहां आने वाले लोग जिला प्रशासन को कोसते नजर आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आई हूं, इसे और भी अच्छा करने की आवश्यकता है, यहां पे और अच्छा काम होना चाहिए जिससे ये आदमी यहाँ आके घूम उम सके और भी दिनों में, ऐसे लोग यहाँ पे 1 जनवरी को ही आते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे की खबरें देखिए मेरी सहयोगी पहेली चौहान के साथ। हे गाइस, दिस इज कायना अरोरा एंड यू आर वाचिंग INN24। हाय एवरीवन, आई एम खुशबू रेवतकर, प्लीज वॉच INN24 इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क। हाय, आई एम निकिता शर्मा एंड यू आर वाचिंग INN24। हेलो, दिस इज पलक नास एंड यू आर वाचिंग INN24। हाय, माय नेम इज पूजा शर्मा एंड यू आर वाचिंग INN24। धन्यवाद प्रीति। झारखंड में डुमरी प्रखंड के डुमरी पंचायत अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तत्वाधान में शौचालय निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है, जिसे लेकर स्थल में जाकर शौचालय निर्माण हेतु लेआउट किया गया। बता दें कि डुमरी पंचायत में कुल 600 शौचालय बनाए जाना है, जिसकी शुरुआत डुमरी बाजार के मनोज कुमार के घर से शुरू किया गया। इस दौरान लाभुकों को शौचालय निर्माण से संबंधित सभी बातों को लाभुकों के बीच रखा गया। इस दौरान प्रखंड समन्वयक कौशल आजाद, मुखिया डुमरी फलजीत महतो, प्रखंड स्वच्छता प्रेरक कामेश्वर प्रसाद महतो, स्वच्छता ग्राही प्रदीप मंडल, वार्ड सदस्य पिंकी देवी, राखी देवी, सोहवा देवी, जल सहिया देवंती देवी, प्रीतम महतो, प्रेमचंद महतो सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। डुमरी पंचायत में 600 शौचालय बनना है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत डुमरी पंचायत सचिवालय में सर्वे क्या हुआ लाभुकों की एक बैठक की गई, जिनका अध्यक्षता डुमरी प्रखंड BC कौशल आजाद जी किए और बैठक के बाद मनोज यहाँ जो है लेआउट किया जा रहा है। आज से आप लोग के यहाँ आपके पंचायत में SBM के तहत हाँ शौचालय निर्माण शुरू किया। मेरे पंचायत में जितना भी शौचालय बनना है सभी SBM के तहत बनाया जाएगा। तिलैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित केडिया धर्मकांटा के नजदीक व्यवसायी किशोर साव के घर में बीती रात कुछ अपराधी घुस गए और बच्चों को छत पर बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि घर में सिर्फ बच्चे ही थे, व्यवसायी अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दरवाजे को तोड़कर घर में प्रवेश कर बच्चों को छत से सकुशल बरामद किए। हालांकि पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रही है। वहीं व्यवसायी किशोर साव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अपराधी कितने मूल्य और जेवर और नकदी ले गए हैं इसका आकलन अपने बड़े भाई के आने के बाद कर बताएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
गए थे बरी कुछ काम से एक डेढ़ घंटा वास्ते, यहाँ से करीब चार बजे गए, उधर से खबर दिया, बच्चा एक घंटा बाद बोलता है पापा देखे ऊपर में सब बंद कर दिया कोई, तो तुरंत वो हल्ला किया तो बगल में भी आदमी आया तो गणेश नाम के हैं, तो बोले कि भैया देखिए आपका तीनों बच्चों ऊपर में बंद है से लगा हुआ। हम कह रहे लग कैसे गया, दो दो गेट ऊपर में था, एक ऊपर सबसे ऊपर में बच्चा छोटा वाला बेटी था और सेकंड वाला जो फ्लोर है उस पर दोनों बेटा को बंद कर दिया। हम तुरंत वहां से भागे आए तो देखते सब सारा बंद है, जब तक फिर चढ़ करके यहाँ सीढ़ी लगा के देखते हैं तो अंदर में अति था गोदरेज टूटा हुआ नजर आया, फिर पुलिस को फोन किए, पुलिस आई उसके साथ हम लोग ऊपर गए, ताला तोड़ आधी गेट खोल के गए। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। गुमला शहर के बड़ाइक मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर बड़े भाई गेंदे उराव ने छोटे भाई 18 वर्षीय टिंकू उराव की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी, जिससे युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए। पुलिस हत्या के मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों भाई नशे की हालत में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गए, जिसमें दोनों भाई में मारपीट हुआ। दोपहर में टिंकू उराव अपने घर में सो रहा था, तभी गेंदे उराव पास में रखे पत्थर से मारकर कुचल दिया, जिससे छोटे भाई टिंकू की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वही घटना के बाद से हत्यारा भाई फरार है। रात में लड़ाई होते हुए फिर उसके बाद उसके रात में ले को आए हम लोग हॉस्पिटल। थाना में पहले फोन किए थे तो बेसरा भेजे थे दो जन का, फिर ये लड़का मेरा छिप गया, छिप गया तो फिर बोला कहाँ गया वो लड़का, तो हम बोल तो नहीं खोले वो दरवाजा, तो फिर नहीं खोले तो फिर वो लोग पुलिस लोग फिर वो लड़का को देखे हैं, उसका भी खून हुआ, दो तीन जगह पर टका लगा था, तो उसी उस सब के बारे में उसका मारा था रात में, तो ये मार दिया अभी कि हमको रात में मारे हैं, अभी हम मार। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।